हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडवोकेट दीपक सैनी में। आज एक हम बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है हमारा आज के इस वीडियो का जो रहेगा, AIB एग्ज़ाम 17 का सिलेबस क्या होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 का कंडक्ट होने वाला है उसके सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स जो है सिलेबस के अंदर है और क्या क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्ज़ाम के अंदर जो कवर होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं और मार्क्स क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एडवोकेट दीपक सैनी को। यहाँ पर आपको कानून से रिगार्डिंग बहुत सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। इवन आपको जो भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए AIB का एग्ज़ाम है या और भी ऐसे कोई एग्ज़ाम है लॉ के रिगार्डिंग, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का सिलेबस क्या है। देखिए, कई लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कई लोगों के मेरे पास क्वेरी थी कि सर आप जो है AIB एग्ज़ाम 17 को लेकर उसका सिलेबस के बारे में आप हमें बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है AIB एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन का पेपर होता है और क्या मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि देखिए, अभी फ़िलहाल जो है AIB एग्ज़ाम 17 की कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। देखिए, आप कई तरह की वीडियो जो है सोशल मीडियाज़ पर चल रही हैं जिसमें कई लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि फ़लानी तारीख को AIB का एग्ज़ाम है या अब AIB का एग्ज़ाम होगा। इवन कई लोगों ने तो डेट भी पब्लिश कर दिया कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, बट ये टोटली जो है फेक न्यूज़ है। अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल जो है AIB की ओर से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप जाकर AIB की साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी इसको लेकर एक वीडियो भी पहले से बनाई गई है कि ये जो है फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। ऐसा कोई भी अभी नोटिफिकेशन AIB की ओर से नहीं आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि फलानी तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो फिलहाल जो आज की ये वीडियो है ये हमारी है कि AIB एग्ज़ाम के अंदर क्या सिलेबस आएगा, क्या सब्जेक्ट होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो AIB का एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से आपको 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं। SC ST क्राइटेरिया अलग है, उसके अंदर 35 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चंस पेपर आते हैं। 3 घंटे का समय आपको इस एग्ज़ाम के अंदर मिलता है और आप जो है BEAR Act की सहायता से भी आप जो है इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। बट उसके लिए भी देखिए, होना ज़रूरी ये चाहिए कि आपको एटलीस्ट बेसिक जानकारी होनी चाहिए लॉ के रिगार्डिंग, तभी आप BEAR Act को भी अच्छे से जो है एग्ज़ाम के समय उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो है सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना कि क्या सिलेबस जो है AIB एग्ज़ाम के अंदर जो है आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर जो है टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बड़े अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आर्टिकल से कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार लीडिंग केस जो होते हैं उनसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई या और भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, उनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जो है डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हम डिस्कस करते हैं IPC। IPC के अंदर देखिए टोटल 8 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। IPC के अंदर भी जो है डायरेक्टली जो है सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर कई बार क्या होता है एक एग्जांपल दे देते हैं, उस एग्जांपल में आपको ये बताना पड़ता है कि इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो है IPC के अंदर क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। जनरली देखने में आता है कि IPC के अंदर कोई केसेस के बारे में इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि IPC के अंदर सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सेक्शन से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें CRPC भी देखिए 10 नंबर का जो है कवर करता है CRPC, तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसको भी आपको डीपली से पढ़ना चाहिए। इसमें कई बार केसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, तो CRPC के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए,
इसके अंदर जो है 10 नंबर का जो है सीआरपीसी को कवर किया गया। वहीं अगर मैं बात करूँ सीपीसी के अंदर जो है 10 मार्क्स को इसके अंदर कवर किया गया है। तो देखिए अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अब इसके अंदर तो आपके मान लीजिए कि ये 35 मार्क्स तो सीधे सीधे आपके यहीं से हो गए, ठीक है। इन 3-4 सब्जेक्टों से 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे या एविडेंस एक्ट को, उसके अंदर भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अब एविडेंस एक्ट में। जैसे कि मैंने बताया कि 8 क्वेश्चन जो है एविडेंस एक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आप 4 से 5 सब्जेक्ट को भी बड़े अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस जो है ये 4 से 5 सब्जेक्ट अच्छे से करा सकते हैं, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जो है एक तरीके से क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने अगर 50% सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया, 50 में से आप अगर अच्छे से करते तो मान लीजिए 30 नंबर आके इसमें आ जाते, 25 से 30 आ जाते, तो अगले जो सब्जेक्ट में उसमें आप नॉर्मली जो है 5-7 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आप आराम से उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसके अंदर ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, इसमें 40% आप लोगों को मार्क्स चाहिए होते, उसके बेस पर जो है आपका AIB का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो इन जो जिनमें ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बड़े अच्छे से कवर करना चाहिए। एविडेंस के बात करूँ मैं अगली, तो ADR और इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। ADR को भी आपके जो पूछा जाता है क्वेश्चन का, इसका क्राइटेरिया होता है 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ फैमिली लॉ, देखिए फैमिली लॉ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 8 क्वेश्चंस जो है फैमिली लॉ से यहाँ मतलब हो गया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ हो गया, कई बार स्पेशल मैरिज एक्ट से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, एडॉप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एडॉप्शंस भी देखिए एक कई बार इसके अंदर पूछ लिया जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन जो मेंटेनेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार केसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कई बार डिवोर्स के ग्राउंड जो होते हैं, कंजुगल राइट्स क्या होता है, इस तरीके से जो है कई बार जो है डायरेक्टली फैमिली लॉ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फैमिली लॉ को भी आपको अच्छे से कर जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ PIL की PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए सीधा 4 नंबर के क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही इजी टॉपिक होता है PIL, अगर आप इसे अच्छे से कवर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 के 4 क्वेश्चन आप जो है इसे अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जनरली इसके अंदर बेसिक बातें पूछी जाती है कि PIL किस लिए डाली जाती है, क्या इसका मोटिव होता है, क्या कोई सिंगल पर्सन भी PIL डाल सकता है अपने निजी पर्पज़ के लिए, या फिर ये सबको जो प्रॉपर ग्रुप के पर्पज़ से डाली जाती है। तो ऐसे कई सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मान लीजिए डेलीगेशन क्या है, सब डेलीगेशंस क्या है, ठीक है। तो इससे भी कई बार जो है डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोफेशंस इथिक्स की, इट मींस BCI के जो रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, BCI की बॉडी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, एडवोकेट एक्ट क्या है, वो कौन से ईयर के अंदर आया, ठीक है। कई बार जो है इसके अंदर मेंबर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, और कई बार डेट से भी क्वेश्चन आता है कि इतनी तारीख को कब बना BCI का, या एडवोकेट रूल जो है कब अप्लाई हुआ, ठीक है, एडवोकेट एक्ट। तो प्रोफेशनल इथिक्स जो है 4 नंबर को आपके यहाँ पर कवर करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी लॉ, साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से, तो देखिए यहाँ हर में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 में से दो, हर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 मार्क्स को ये 5 सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो इसमें जनरली बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाले सब्जेक्ट हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ज़्यादा जो है प्रेशर इन 5 सब्जेक्टों पर ना देकर जो जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिन सब्जेक्ट पर, उन पर ध्यान दें। नॉर्मली आप इसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप बेयर एक्ट लेके जाना चाहते हैं तो आप बेयर एक्ट लेकर जाइए। अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया किसी भी इनमें से सब्जेक्ट में से, आप डायरेक्टली जो है उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है हमारे AIB एग्जाम में। अब देखिए हम बात करते हैं लेबर लॉ की और लॉ ऑफ टैक्सेशन की। अगर हम बात करें
तो लेबल लोगों के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ग्रेचुटी एक्ट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेन इंश्योरेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर अभी आजकल लेबर कोड के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, उनसे भी कई बार करंट को भी छू लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें टैक्सेशंस की, तो टैक्सेशंस के अंदर देखिए जनरली सेक्शन से इतना क्वेश्चन नहीं आते, बाई चांस आ जाते हैं सेक्शन से क्वेश्चन, मान लीजिए कि जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, सेक्शन 10 हो गया, ठीक है, और TDS के बारे में पूछ लिया, तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत 8 नंबर के मार्क्स होते हैं इन दो सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लॉ ऑफ टोर्ट की, इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो देखिए इन 3 सब्जेक्ट से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसे भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं, लॉ ऑफ टोर्ट को और मोटर व्हीकल एक्ट को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप 2019 वाला पढ़कर जाइए, ठीक है, क्योंकि पुराने वाला, अब तो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो 2019 वाले को आपको यहाँ पर पढ़कर जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और स्पेसिफिक रिलीफ और प्रॉपर्टीज लॉ की और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या गया, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। NIA से आपसे पूछ लिया जाता है कि 138 क्या, 146 के बारे में पूछ लिया जाता है आपको जनरली, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट से आपको, 3 या 4 सब्जेक्ट से आपको जो है टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ओवरऑल क्या है इसके अंदर, मोटा मोटा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं जहाँ से सीधा 10-10 और 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एक सब्जेक्ट, तो जनरली आप लोगों को फोकस उस सब्जेक्ट पर करना चाहिए, ना कि जिनमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरे आप एक बेयर एक्ट को जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आप पूरा टाइम उसमें वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि जहाँ से क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर के आ रहे हैं आप वहाँ से उन क्वेश्चनों को पढ़ें और उस क्वेश्चनों का आंसर जो है दें। तो देखिए ये आज की वीडियो थी हमारी AIB एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।